तो दिस इज मोर ऑफ एनीमे काइंड ऑफ थिंग कि अगर आपको उस टाइप की स्टाइलाइज वीडियो बनानी है ना, ओके भाई आप विश्वास नहीं करोगे इस पे। बहुत बढ़िया भाई। तो मैंने अपने दो बेस्ट AI वीडियो जनरेटर्स फाइनल कर लिए हैं, जिसमें से जो मुझे पहले नंबर पे लगा है वो है वी ऑल नो दैट कि अभी तक का सबसे बेस्ट AI वीडियो जनरेटर है OpenAI का सोरा, लेकिन वो आम पब्लिक के इस्तेमाल के लिए अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। सोरा के कितने सारे अमेजिंग एग्जांपल्स हमने इंटरनेट पर आए दिन देखे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सोरा की बात नहीं करेंगे बल्कि पांच ऐसे AI वीडियो जनरेटर्स की बात करेंगे जिनका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और इस वीडियो में मैं खुद उन पांचों के पांचों AI वीडियो जनरेटर्स को आपके सामने लाइव टेस्ट करके देखूंगा और वीडियो के एंड तक आपको बताऊंगा मेरे फेवरेट दो बेस्ट AI वीडियो जनरेटर्स। लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट ये है कि हम लोग वीडियो जनरेटर्स को कंपेयर करने के लिए प्रॉम्प्ट्स का जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो लेंगे हम सोरा वाले प्रॉम्प्ट से। मैंने क्या किया, मैं सोरा की वेबसाइट पर गया और यहाँ पर जो मेरे को वीडियोस दिख रही थी इनमें से ये वाले प्रॉम्प्ट्स को मैंने कॉपी करके सेव कर लिया। अब मैं इन्हीं प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ और देखते हैं कि क्या इस तरह की वीडियो आउटपुट वो वीडियो जनरेटर्स हमको दे पाएंगे या नहीं। शुरुआत करते हैं नंबर पांच से, दिस इज runwayml.com। यहाँ पर सबसे पहले मैं लॉगिन कर लूंगा। नाउ ये सारे सॉफ्टवेयर्स को मैं पहली बार इस्तेमाल करने वाला हूँ तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, कुछ गलतियां होंगी तो वो आपके सामने ही होंगी। ऑलराइट, हमारे सामने यहाँ पर एक खुल चुका है सॉफ्टवेयर, नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, वीडियो टू वीडियो, टेक्स्ट टू वीडियो। हमको मेजरली टेक्स्ट टू वीडियो से मतलब है, बाकी वैसे टूल्स तो इसमें बहुत सारे हैं, आप लोग ट्राई आउट कर सकते हैं इसके अंदर टेक्स्ट या फिर इमेज टू वीडियो वाले को ट्राई आउट करके देखते हैं। ऑलराइट, तो ये कह रहे हैं या तो यहाँ पर इमेज डाल दो और या फिर यहाँ पर टेक्स्ट लिख दो। तो हमारे पास में प्रॉम्प्ट रेडी है एक, तो सबसे पहले मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूंगा और डायरेक्टली जाकर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो इसके अंदर 4 सेकंड का ऑप्शन आ रहा है, हमारे पास में 4 सेकंड की वीडियो बन जाएगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि प्रॉम्प्ट जो लिखने के मेरे पास में कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ 320 है, यानी कि कुछ कैरेक्टर अभी भी मिसिंग है। मतलब मेरी जो लास्ट वाली लाइन है ये इसने नहीं पिक की। कोई बात नहीं, हम इसको कर देंगे यहाँ से डिलीट। लेट्स सी कि इतने प्रॉम्प्ट में कितना वीडियो आउटपुट ये जनरेट कर सकता है। जनरेट पे क्लिक करेंगे और मैं आपको लाइव टाइम भी बताऊंगा कि कितना टाइम ले रहा है वीडियो आउटपुट को जनरेट करने में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, राइट, तो हमारा आउटपुट रेडी है और इस आउटपुट को निकालने में लगे हैं पूरे के पूरे 4 मिनट। लेट्स सी ये आउटपुट निकला कैसे है। फुल स्क्रीन कर लेंगे और प्ले करते हैं। नॉट बैड, आपको मैं अगर कंपैरिजन करूं इसका सोरा के साथ में तो यहाँ पर मेरे पास में सोरा है। लुक एट दिस, सेम प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया था, सोरा का आउटपुट ये है और जो मैंने इस्तेमाल किया है अभी उसका आउटपुट ये है, बट ये भी बुरा नहीं लग रहा है मुझे। नीचे बताना मुझे, यहाँ से इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। सॉफ्टवेयर में हमको कुछ और जनरल सेटिंग्स भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि कैमरा मोशन कैसा होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट या फिर वर्टिकल होना चाहिए, टिल्ट में होना चाहिए या फिर जूम इन होना चाहिए, इन सब का इस्तेमाल करके भी हम इसको जनरेट कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, दिस इज kyber.ai। इसमें हम लोग डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। तो हमारे पास में kyber.ai का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, तो हमें अपनी फर्स्ट वीडियो बनानी है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है कि फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन चाहिए, कैप्टिवेटिंग फ्लूडिटी एनिमेशन चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग वीडियो को हमें ट्रांसलेट करना है। तो ये अपनी एनिमेटेड वीडियोज के लिए जाना जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए एक फ्लिप बुक, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे जस्ट स्टार्ट राइटिंग प्रॉम्प्ट। और ये थोड़ा सा मुझे सजेशन दे रहा है कि किस तरह से प्रॉम्प्ट हमें लिखना है। शुरुआत करते हैं, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वीडियो ऑफ, यहाँ पर हमें डिस्क्राइब करना है सब्जेक्ट। हमारे पास में ये प्रॉम्प्ट ऑलरेडी है तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, इसको कर देते हैं पेस्ट। इसकी अच्छी बात यह है कि इसने पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट ले लिया, इसमें कोई कैरेक्टर लिमिट्स नहीं है प्रॉम्प्ट को लिखने की। अब यहाँ पर डिटेल्स चूज करनी है, तो इसको हम यहाँ से चूज कर लेंगे फोटो रियलिस्टिक। नेक्स्ट थिंग इज इमेज अपलोड का ऑप्शन है, हमें इमेज अपलोड नहीं करनी है यहाँ से, और यहाँ से क्रिएट वीडियो के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से वीडियो सेटिंग्स पे जाते हैं। ऑलराइट, तो ये वीडियो ड्यूरेशन पूछ रहा है मुझसे और एस्पेक्ट रेशियो पूछ रहे 16:9 कर देंगे। तो इसमें हमें 60 क्रेडिट्स जो है फ्री मिलते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि ये कैसा रिजल्ट हमको दे रहा है। जनरेट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया भाई, हम अपना फेवरेट प्रीव्यू चूज कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला प्रीव्यू अच्छा लग रहा है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से हम क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर देंगे। सारा का सारा खेल जो है ना वो प्रॉम्प्ट्स का है, जितना अच्छे से प्रॉम्प्ट्स लिखोगे आप उतना अच्छे से आपको रिजल्ट्स निकाल कर देगा। वही बात आ जाती है कि 70-80% प्रॉम्प्ट्स है और उसके बाद में जो 20% रहता है वो मॉडल का काम रहता है कि वो मॉडल उस प्रॉम्प्ट को किस तरह से एनालाइज करता है और जो डेटा सेट पे वो ट्रेन हो रखा है उसके अकॉर्डिंग वो किस तरह के आउटपुट हमको निकाल कर देता है। लेट्स फाइंड आउट कि काइबर में हमको कितना टाइम लगता है वीडियो आउटपुट निकालने में। बस इन AI वीडियो सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये लगती है कि साला समय बहुत लगता है। लेकिन क्या मैं बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं हो रहा हूं? एक तो फ्री में ये यूज करने दे रहे हैं हमें अपना GPU, ऊपर से मेरे को चाहिए कि ये जल्दी भी कर दे। बाय द वे, आज मैं वोट डाल के आया हूं। अगर ये लोकसभा इलेक्शन के दौरान वीडियो आप देख रहे हैं तो भाई वोट डालिए प्लीज। इसने लिए तकरीबन 3 मिनट ही लिए इसने, लेकिन इसने जो रिजल्ट निकाला है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर हम कंपेयर करेंगे इसको सोरा से तो सोरा वाला चीज तो नहीं आउटपुट दे पा रहा है, लेकिन हाँ कुछ हटके जरूर है, कुछ तो एनिमेट हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि हमने सोरा वाली वीडियो देख ली है, लुक एट दिस, लग रही है ये जनरेटेड, तो हमें ये वाली वीडियो उसके सामने फीकी ही लगने वाली है। बट अगेन, इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे दो फेवरेट सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो दिस इज मोर ऑफ एनिमे काइंड ऑफ थिंग कि अगर आपको उस टाइप की स्टाइलाइज वीडियो बनानी है ना तो आप उसके लिए ये वाली वेबसाइट का इस्तेमाल।
कर सकते हैं। चलो चलते हैं नंबर तीन पर। तो नंबर तीन पर हमारे पास में है Fleeky.ai, टर्न टेक्स्ट इनटू वीडियोस, टर्न आईडिया इनटू वीडियोस। लेट्स फाइंड आउट ये क्या कर सकता है। लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन मैजिक क्रिएट, यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि ट्रांसफॉर्म योर आइडियाज इनटू स्टनिंग वीडियोस। फिर अगर आपके पास में स्क्रिप्ट है तो आप स्क्रिप्ट लिख दीजिए और स्क्रिप्ट को ये कन्वर्ट कर देगा इस तरह की वीडियो के अंदर। अगेन आपके पास में ब्लॉग है, ब्लॉग को ये कन्वर्ट कर देगा वीडियो में। कहीं से ब्लॉग उठाइए आप ऑनलाइन जाकर, ब्लॉग को कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए और ये उसकी वीडियो बना देगा। प्रोडक्ट की भी वीडियो बना सकता है ये। एक प्रोडक्ट की वीडियो बनाकर देखते हैं। हम अमेज़न पे जाते हैं और कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग उठाते हैं ये वाला कीबोर्ड, इसको माउस बोलते हैं बाय द वे, ये वाला उठा लेते हैं। इसका लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं पेस्ट द लिंक ऑफ द प्रोडक्ट पेज, ठीक है पेस्ट कर दिया है। मैक्सिमम ड्यूरेशन हम थोड़ी कम कर देंगे 30 सेकंड। लेट्स सी कि किस तरह की वीडियो बनाकर देता है प्रोडक्ट की, क्या ये इमेजेस उठा लेगा प्रोडक्ट की या कुछ तो करेगा। क्रिएटेड सक्सेसफुली, लेट्स फाइंड आउट। ऑल राइट, इसने यहाँ पर बना दिया है भाई। लेट्स सी कैसा आउटपुट निकला है। Logitech B170 wireless mouse. Discover seamless computing with Logitech B170 wireless mouse. Plug and forget USB nano receiver ensures a connection up to 10 m. Advanced optical tracking for precision on nearly any surface. Enjoy a whole year without battery worries. Trust in over 30 years of Logitech quality and innovation. Rated 4.3 stars. Order today for 595 Rs. भाई साहब कितना इजी कर दिया है इसने किसी भी प्रोडक्ट की वीडियो बनाकर। और दूसरे नंबर पे हमारे पास में है Pika.art, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे पॉपअप को। ऑलराइट, तो यहाँ पर ऑलरेडी वीडियोस बनी भी हुई हैं कुछ। तो ये मुझे कह रहा है यहाँ पर डिस्क्राइब योर स्टोरी, आई थिंक ये सोरा के बहुत करीबी रिश्तेदार हो सकता है। डिस्क्राइब योर स्टोरी पे कह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं जाकर अपना जो है प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा। उप्स, ये क्या पेस्ट हो गया। अच्छा, ये लिंक मैंने पेस्ट किया था वो रखा है। प्रॉम्प्ट को उठाते हैं एंड यहाँ पर जाकर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है। लेट्स फाइंड आउट कि Pika.art किस तरह का आउटपुट हमें निकाल कर देता है। ओके, तो इसने हमें आउटपुट दे दिया है, इसको हम प्ले करके देखेंगे। और इसने समय जो लिया था वो तकरीबन 2 मिनट, जो सबसे कम समय है वो पीका ने लिया है। देखते हैं आउटपुट कैसा है। भाई 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 भाई, इसने मुझे फेस क्यों नहीं दिखाया। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ फेसिंग कैमरा। अब प्ले करते हैं। वैसे मैं यहाँ से रीप्रॉम्प्ट भी कर सकता था यार, मैं भी पागल हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। एनीवेज, ये वाला इसने आउटपुट काफी अच्छा दिया है, जो इसने प्रॉम्प्ट डाला था उसके अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट दिया है। बट मुझे एक्चुअल में फेस देखना है कि फेस किस तरह से जनरेट कर रहा है ये वाला AI मॉडल। इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज मिल रही है मुझे, वो है साउंड इफेक्ट का ऑप्शन। इसको मैं टर्न ऑन कर दूंगा तो शायद मेरी वीडियोस के अंदर साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ से मैं अपना प्रॉम्प्ट, यहाँ से मैं एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकता हूँ और फ्रेम पर सेकंड भी चेंज कर सकता हूँ। तो इसका कंट्रोल मुझे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू रनवे, या फिर मैं बात करूँ उसकी। ओके, जैसे मैंने इसको लिखा फेसिंग द कैमरा, अब इसने मुझे रिजल्ट दिखा दिया है। लेट्स फाइंड आउट कैसा रिजल्ट है। इसको बड़ी स्क्रीन पर प्ले करते हैं। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, मैं कहूँगा अभी तक का सबसे बेटर रिजल्ट्स आफ्टर सोरा। डू वी हैव एनी साउंड इफेक्ट। यहाँ से इसको अपस्केल कर सकते हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली $8 per month का मुझे पे करना पड़ेगा। यहाँ से इसको कर लेते हैं डाउनलोड। चलो अब चलते हैं हमारे पहले सॉफ्टवेयर पे, और इसका नाम है Hyper.ai। बाय द वे, इन सारे AI जनरेटर्स के आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये भी सेम उसी तरह से काम करता है। डिस्क्राइब द वीडियो यू वांट टू जनरेट, तो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा और अपना प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा। काफी इंटरेस्टिंग सैंपल्स है इसके। लुक एट दिस, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये ट्रेन वाला कितना रियलिस्टिक लग रहा है। यहाँ से कुछ सेटिंग्स देखते हैं क्या कर सकते हैं। ड्यूरेशन हम 4 सेकंड कर देंगे। सीड हमारे पास तो नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे और हम इसको कर देंगे सीधा। और यहाँ से हम कुछ स्टाइल भी चूज कर सकते हैं, जैसे थोड़ा साइबर पंक स्टाइल में ले लेंगे एंड यहाँ से क्रिएट कर देंगे। लेट्स फाइंड आउट इसमें कितना समय लगता है। और मेरे ख्याल से ये फ्री भी है, इसमें अभी तक तो कहीं पर मुझे अपग्रेड का ऑप्शन दिख नहीं रहा है या फिर कोई प्राइसिंग वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा है। अब क्योंकि फ्री है तो ये समय भी ज़्यादा लेने वाला है। बना दे भाई। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ यार। हाइपर पर तो वेट करते हुए मुझे हो गया है लगभग आधा घंटा और अभी तक ये जनरेशन जो है क्यू के अंदर ही है, वीडियो जनरेट नहीं हुई है। लेकिन इसके एक्सप्लोर पेज पर जाकर हम लोग कुछ आउटपुट्स देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। ये वाला देख लेते हैं, गेम स्टाइल के अंदर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी आउटपुट। ये ट्रेन वाला देख लेते हैं। मुझे लगता है हाइपर जो है काफ़ी क्लोज है सोरा के एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे सॉफ्टवेयर को हम बात करें तो। ये वाली इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसका प्रॉम्प्ट देखना पड़ेगा क्या यूज़ किया है। एनामॉर्फिक शर्ट ऑफ अ मिस्टीरियस Arabian Princess with Black। भाई साहब कितना खूबसूरत शॉट है ये, ऐसा मतलब लग ही नहीं रहा कि AI जनरेटेड है ये। तो मैंने अपने दो बेस्ट AI वीडियो जनरेटर्स फाइनल कर लिए हैं, जिसमें से जो मुझे पहले नंबर पे लगा है वो है Pika, क्योंकि इसने मुझे आउटपुट बहुत ही अच्छा दिया था। एक्सप्लोर भी करोगे अगर इसमें तो इसके आउटपुट्स आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर तो साउंड इफेक्ट्स भी है।
और दूसरी चीज की सिर्फ $8 पर मंथ का ही है, तो इसके थ्रू आप काफी अच्छी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल चेक करो, कितना अच्छा 3D वीडियो जनरेट करके दिया है इसने। उसके बाद जो दूसरा सबसे बढ़िया एज जनरेटर लगा मुझे वो था फ्लिकी। रीजन इज सिंपल कि इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि मैं स्क्रिप्ट से वीडियो बना सकता हूँ, ब्लॉग से, PPT से, ट्वीट से या फिर प्रोडक्ट से वीडियोस बना सकता हूँ। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि कैसे अमेज़न की लिंक को कॉपी करके सिर्फ मैंने यहाँ पर अपने लिए एक बढ़िया सी दिखने वाली प्रोडक्ट वीडियो बना दी। विद इन 40 सेकंड मैं अपने लिए इंस्टाग्राम रील्स बना सकता हूँ। ना मुझे अच्छे कैमरा की जरूरत है, ना ये सब लाइटिंग सेटअप की जरूरत है, ना माइक्रोफोन की जरूरत है, सारा का सारा काम मेरे ब्राउजर के अंदर हो जाएगा। मुझे हाइपर से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन हाइपर अभी तक तो चला नहीं है। अगर इसका आउटपुट निकल कर आता तो मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसको आप @NishkamBhatia पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आप मुझे बताना कि आपके फेवरेट आउटपुट कौन से थे, या फिर अगर आपकी नजर में कोई ऐसा AI वीडियो जनरेटर है जो इनसे भी बेहतर है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। फिलहाल के लिए इजाजत लेता हूँ, मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।